अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अदब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मौसूल होती रहें। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। मोइन अख्तर ने 24 दिसंबर 1950 को रोशनियों के शहर कराची में आँख खोली। मोइन अख्तर ने 6 सितंबर 1966 को जब पहली बार स्टेज पर कदम रखा तो लोग इनकी परफॉर्मेंस देखकर पलके झपकाना भूल गए। तंजो मज़ा हो या संजीदा अदाकारी हो, थिएटर हो या टॉक शोज हो या गुलकारी हो, मोइन अख्तर ने हर शोबे का हक बखूबी अदा किया और अपनी शख्सियत को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। पाकिस्तानी शोबिस की दुनिया में ये बात मुहावरे की तरह मशहूर है कि शोहरत की चोटी पर पहुंच जाना तो आसान है लेकिन वहां बरकरार रहना बहुत मुश्किल है। मोइन अख्तर के बारे में ये बात वसूक से कही जा सकती है कि वो शोहरत की बुलंदियों को छू चुके थे। मोइन अख्तर की दास्तान हयात एक तरह से पाकिस्तान टेलीविज़न की अपनी जीवन कथा भी है। दोनों एक साथ मंजरे आम पर आए, दोनों ने इकट्ठे मकबूलियत और शोहरत का सफ़र तय किया और दोनों का नाम दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों तक एक साथ पहुँचा। नक्काली की सलाहियत को अदाकारी का सबसे पहला मरहला समझा जाता है लेकिन ये अदाकारी की महराज नहीं है। ये सबक मोइन अख्तर ने अपने कैरियर की इब्तदा ही में सीख लिया था। नक्काली के फन में उरूज हासिल करने के बावजूद उन्होंने खुद को इस महारत तक महदूद नहीं रखा बल्कि इससे एक कदम आगे जाकर अदाकारी के तख्लीकी जौहर तक रसाई हासिल की और कामयाब भी हुए। मोइन अख्तर ने शोबिस की दुनिया से जुड़े रहने के बावजूद कई पाकिस्तानी और गैर मुल्की फनकारों के साथ मिलकर खैराती इदारों के लिए काम सरंजाम दिए। उर्दू के अलावा इन्हें पंजाबी, पश्तो, सिंधी, गुजराती, बंगाली और मेमनी लहजों पर भी मुकम्मल उबूर हासिल था। उर्दू मोइन अख्तर की अपनी ज़बान थी लेकिन बाकी तमाम ज़बानों से महज फनकाराना ज़रूरियात के तहत शनासाई पैदा की और इन ज़बानों के लहजे और तलफ़ पर ऐसा उबूर हासिल किया कि लोगों के दिल जीत लिए। पाकिस्तान टेलीविज़न के ब्लैक एंड वाइट ज़माने से लेकर आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी तक मोइन अख्तर हर दौर में टीवी के साथ रहे। सदियों में ऐसे किरदार पैदा होते हैं और ऐसी कुदरती सलाहियतों के मालिक मोइन अख्तर 22 अप्रैल 2011 में फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गए लेकिन आज भी मोइन अख्तर की अदाकारी और फनकारी लोगों के दिलों में ज़िंदा और जावेद है। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मोइन अख्तर साहब के दर्जात बुलंद करें और इन्हें अपनी जवारे रहमत में जगा दे। आमीन सुमा आमीन।